Hey guys, welcome back to my YouTube channel Lifestyle Blogger Dolly and I am Dolly. Hope you all are doing good. तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 5 प्रोडक्ट्स मेकअप चैलेंज। इस तरीके का मैंने मेकअप वीडियो अभी तक एक भी नहीं क्रिएट किया है, तो मुझे नहीं पता कि ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। मैंने नहीं सोचा है कि मैं किस तरीके से क्रिएट करूँगी सिर्फ 5 प्रोडक्ट्स का यूज़ करके, तो ये जस्ट गो विद द फ्लो होगा। एंड ये 5 प्रोडक्ट्स जो मैं यूज़ करने वाली हूँ इस मेकअप में, वो मैं एक ही ब्रांड के यूज़ करूँगी जो कि मेबलिन न्यूयॉर्क का होगा। मैं ज़्यादातर मेकअप प्रोडक्ट्स जो है वो मेबलिन के ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल रेंज का होता है। एंड क्योंकि ये मेकअप जो है वो मैं एक ही ब्रांड से क्रिएट करने वाली हूँ, तो ये वन ब्रांड मेकअप चैलेंज भी एक तरीके का हो जाएगा। एंड ये है वो प्रोडक्ट्स जिसका इस्तेमाल करने वाली हूँ मैं इस वीडियो को क्रिएट करने के लिए। फाउंडेशन, लिपस्टिक, काजल, अनदर लिपस्टिक एंड दिस इज मस्कारा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, बट उससे पहले चैनल पे नए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, और वीडियो मेकअप अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ऑल्सो अभी तक आपने अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जो आईडी है मेरी वो है lifestyleblogger22, एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मेरा आईडी लिंक जो है वो मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड इन सारे प्रोडक्ट्स के लिंक जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फाउंडेशन मैंने मेरे फेस पे डॉट डॉट पोर्शन में लगा लिया है, एंड मैं इस ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको ब्लेंड करूंगी, बट उससे पहले मैं इस ब्यूटी ब्लेंडर को अपने मिस क्लियर की टूल फिनिश लॉन्ग लास्टिंग सेटिंग स्प्रे से मैं इसको वेट करने वाली हूँ। ओके, तो फाउंडेशन जो है वो हमारा हो चुका है पूरा, एक प्रोडक्ट जो है वो हमारा खत्म हो चुका है। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रोडक्ट की, अब बढ़ते हैं आंखों के मेकअप की तरफ। एंड आई शेडो के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ मेबलिन न्यूयॉर्क का लिपस्टिक, शेड है ये न्यू न्यूंस, एंड इसको मैं एज अ आई शेडो यूज़ करने वाली हूँ। तो आप लिपस्टिक को भी, अगर आपके पास आई शेडो नहीं है तो आप लिपस्टिक को भी एज अ आई शेडो, एज अ ब्रश आप इसको यूज़ कर सकते हैं। शैडो ब्लेंडर ब्रश से मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी, मैं इसको मेरे आंखों के लिड पे मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी, एंड थोड़ा सा मैं अपने आंखों के क्रीज पे भी मैं इसको ब्लेंड करूंगी, बहुत ज्यादा ऊपर तक लेके नहीं जाऊंगी, बस थोड़ा सा मैं इसको मेरे क्रीज पे भी मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। एंड इसी को मैं थोड़ा सा अपने आंखों के नीचे भी अप्लाई करूंगी, एंड जस्ट इसको ब्लेंड करूंगी, बहुत ज्यादा नहीं लेना है, थोड़ा सा। मैं यूज़ करने वाली हूँ मेबलिन न्यूयॉर्क का कलोसल काजल, थोड़ा सा स्मोकी लुक देने के लिए मैं इसको मेरे आंखों के आउटर व्यू कॉर्नर पे मैं इसको ब्लेंड करूंगी, जस्ट थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। एंड सेम ब्रश की हेल्प से मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। अब मेरी आंखों के नीचे भी मैं काजल यूज करूंगी, एंड इस ब्रश की हेल्प से मैं इसको थोड़ा सा स्मज कर रही हूं। एंड इसी काजल से अब मैं मेरे आईब्रोज को फिल करूंगी। मैं यूज करने वाली हूँ मेरा चौथा प्रोडक्ट मस्करा, एंड इसको मैं मेरे आईलैशेस पे अप्लाई करूंगी, एंड इसी को मैं मेरे आईब्रोज को थोड़ा सा शेप देने के लिए भी अप्लाई करूंगी।
आईब्रो को शेप देने के लिए मैं इस एप्लीकेटर में जितना भी एक्सेस मस्करा होगा मैं उसको अच्छे से इसमें रिमूव कर लूंगी। एंड अब मैं इसको इस पे अप्लाई करूंगी। तो ये है मेरा लास्ट प्रोडक्ट, फिफ्थ प्रोडक्ट, जिसको मैं मेरे लिप्स पे एंड मेरे चिक्स पे अप्लाई करने वाली हूँ। सो दिस इज़ माई फाइनल मेकअप। आपने देखा कि किस तरीके से मैंने सिर्फ 5 प्रोडक्ट से मैंने इस मेकअप लुक को क्रिएट किया है। एंड ये थोड़ा सा स्मोकी भी हो गया है तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इतना ज़्यादा अच्छे से हो जाएगा। आप देख लो एक बार क्लोज। तो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था, बहुत इजी था ये मेकअप लुक क्रिएट करना। सो कैसा लगा आपको मेरा ये मेकअप लुक, कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, अगली बार मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू सो मच। Bye-bye.